वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पहले फेफड़ों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेफड़े कहाँ होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, फेफड़े जो होते हैं वो हमारी जो सामने की हड्डियाँ होती हैं, चेस्ट होती है, उसके जस्ट जो होते हैं पीछे होते हैं। फेफड़े हमारे दो होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, हार्ट होता है, दिल होता है। इन दोनों का काम जो होता है आपस में जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करें फेफड़ों की शुरुआत कहाँ से होती है। फेफड़ों की शुरुआत जो होती है हमारी जो सांस की नली होती है, मतलब हमारे जो नथले होते हैं वहाँ से शुरुआत होती है, जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, फेरिंग्स होता है और लैरिंग्स। अंदर का जब आप देखेंगे तालू के अंदर जो होता है, जहाँ पर आपकी गर्दन में एक हड्डी सी उठी हुई होती है, उसके बाद क्या होती है, ट्रैकिया शुरू होती है। ट्रैकिया में इसको बोलते हैं हवा की पाइप। और उसके बाद ये ट्री की पेड़ की तरह दो टहनियों में डिवाइड हो जाती है जाके, मतलब ये दो जो होती है इनको बोलते हैं हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई क्या करते हैं, फर्दर पेड़ की तरह जो होते हैं अलग अलग टहनियों में ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे पेड़ में पत्ते होते हैं, इस तरीके से एल्वुलाई में डिवाइड हो जाते हैं। एल्वुलाई क्या होता है, एल्वुलाई का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे गुब्बारों की तरह होता है, स्पंज की तरह होता है। अगर हम इनको अंदर से देखें वो इस तरीके से छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है गैसों का वो इनके अंदर होता है। मतलब सांस लेना और छोड़ना जो होता है वो इनके अंदर होता है, वो होता है एल्वोलाई के अंदर। अब हम बात करते हैं फेफड़ों का काम क्या होता है, मतलब पांच काम क्या होते हैं फेफड़ों के। तो पहला मुख्य काम होता है गैस का एक्सचेंजर, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, जिसके जरिए हम जीवित रहते हैं। उसके अलावा सांस लेना, सांस भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा जो आवाज़ हमारी आती है, आवाज़ में गूंज जो होती है, साथ में सुंगाई देना। उसके अलावा हमारे शरीर की रक्षा करना, मतलब जब भी कोई बाहरी पैथोजन हमारे नाक या मुंह के जरिए अंदर घुसते हैं तो क्या कहता है, खांसी आती, जिससे क्या होता है हमारी रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। अब हम बात करते हैं फेफड़े कैसे काम करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जैसे जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उनसे ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन क्या होता है, हार्ट के जरिए रेड ब्लड सेल्स हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में जाती हैं तथा वो शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में ले जाते हैं, और वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम फिर छोड़ते हैं, जिसका इस्तेमाल पौधे करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे लंग्स क्या करते हैं, प्यूरिफाइड जो ऑक्सीजन होती है वो रेड ब्लड सेल्स के जरिए शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं, और शरीर के अन्य भाग उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके बाद हमारे शरीर जो होता है एल्वोलाई के जरिए उसको कन्वर्ट करके और उसको बाहर निकाल देता है, जिसका पौधे इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं फेफड़ों में कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ज़्यादातर लोग आज इसके बारे में जानना चाहते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, या फेफड़ों में बीमारियाँ क्यों होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेफड़ों में बीमारियां होने के 10 कारण। जिन्होंने मेरा अन्य वीडियो देखे हैं उसमें मैंने पहले डिस्कस किया है कौन कौन से होते हैं, जिसके लिए 5 वायरस जिम्मेदार होते हैं, 4 बैक्टीरिया और 1 फंजाई, मतलब 10 मुख्य कारण होते हैं फेफड़ों में इन्फेक्शन के लिए। वो कौन कौन से होते हैं फेफड़ों में वायरस की अगर हम बात करें, कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस, जो होते हैं 5 वायरस जो मुख्यतः रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा बैक्टीरियाज भी होते हैं 4। पहला बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीवी करता है। उसके अलावा 3 और जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई या लिजुनिना पिलियोमोनियाई, ये क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, निमोनिया फैलाते हैं। निमोनिया के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं। अब एक और फंजस भी होता है, जो फंजस क्या करता है, ये क्या करता है, ये भी इन्फेक्शन फैलाता है, जिसका नाम होता है फंजस एस्परजिलस। उसके अलावा दूसरी अन्य बीमारियां भी होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रोंकाई फेफड़ों का एक पार्ट होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ब्रोंकाई मतलब इसके अंदर पाइप होते हैं, ये देखिए पाइप, जिसके अंदर गैसों का एक्सचेंज वगैरह होता है। इसमें सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, क्या होता है, सांस प्रॉपर नहीं आ पाती है। उसके अलावा निमोनिया, निमोनिया के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो इसमें क्या होता है, निमोनिया में हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई में ब्लॉकेज हो जाता है, व्यक्ति पूरी तरीके से सांस नहीं ले पाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। उसके अलावा सीओपीडी होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी एक तरीके की ब्रोंकाइटिस होती है, जिसमें क्या होता है, एल्वियोलाई में प्रॉब्लम हो जाती है।
उसके अलावा अन्य बीमारियां होती हैं जैसे अस्थमा है, एलर्जी है, डस्ट एलर्जी या दूसरे अन्य तरीके की एलर्जी, या फिर फेफड़ों का कैंसर, इसकी वजह से भी क्या होता है, व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। तो 6-7 मुख्य बीमारियां होती हैं फेफड़ों की। अब हम बात करें फेफड़ों में बीमारियों के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो सभी बीमारियों के शुरुआती लक्षण होते हैं छाती में दर्द, खांसी आना, जुकाम वगैरह होना, फेफड़ों में कार्य क्षमता में कमी, सांस लेने में तकलीफ, बार बार थकावट होना, नींद सही से नहीं आना, भूख कम लगना वगैरह ये लक्षण होते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो फेफड़ों को कैसे तंदुरुस्त रखें, उसके लिए क्या खाएं, तो उसके लिए आपको क्या खाना है, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बात करा चुकंदर के बारे में। चुकंदर खाइए, सलाद किसी तरीके से भी खा सकते हैं, सब्जी बना के, नील बद्री जिसको ब्लूबेरीज बोलते हैं, अलसी, अलसी आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, दूध के साथ, पानी के साथ, आप जैसे चाहें। उसके अलावा कद्दू, कद्दू के अंदर भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट्स होते हैं, हल्दी जिसके अंदर करक्यूमिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्याज और लहसुन, फलियाँ वगैरह होती हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है जो हमारे फेफड़ों को बहुत मजबूत रखते हैं। उसके अलावा गाजर, उसके अलावा आप अनार ले सकते हैं, ग्रीन टी है, दूध में, पनीर में जिसमें विटामिन डी भी होता है, साथ में हमें एंटीऑक्सीडेंट भी देते हैं, सेब है, अदरक है, टमाटर है, जैतून का तेल, इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने उसमें लिंक भी नीचे दे रखा है कि इनमें ऐसा क्या होता है जिससे हमारे फेफड़ों को फायदा होता है। अब उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको जो है गर्म पानी भी खूब पीना है, जितना हो सके ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, साथ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप स्टीम वगैरह, भाप वगैरह लें, आप कुकर के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसके स्टीम की मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाप बहुत ज़रूरी होता है फेफड़ों के, अगर इन्फेक्शन वगैरह है, सूजन वगैरह, उसके लिए। साथ साथ में आप फेफड़ों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे वॉक कर सकते हैं, हो सके थोड़ा बहुत तेज चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना, इससे क्या होगा कि फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। साइकिलिंग है या स्विमिंग वगैरह आप कर सकते हैं तो करिए, इससे क्या होता है आपके फेफड़ों में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बढ़ेगी, वाइटल कैपेसिटी आपकी जो लंग्स की वो बढ़ेगी। साथ साथ में आप जो अनुलोम विलोम या सांस लेने वाली डायफ्रामिक सांस लेने की जो एक्सरसाइज होती है वो वगैरह आप कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें लंग्स में बीमारियां हों, फेफड़ों में बीमारियां, तो उसके लिए कौन सी जांच करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे बेस्ट होता है इसके लिए। उसके अलावा आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं जो सीआरपी है, जो सूजन बताएगा। उसके अलावा अगर कोविड का शक है तो आप कोविड आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी, डी डाइमर, IL-6 वगैरह आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो वो भी करवा सकते हैं। उसके अलावा स्पूटम कल्चर होता है जो बैक्टीरियल के बारे में बताता है, साथ में सीटी स्कैन है, पीएफटी है, ब्रोंकोस्कोपी है, इन तमाम जो टेस्ट हैं इनके बारे में मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ता है कैंसर के केसेस में लंग बायोप्सी या FNAC की भी ज़रूरत होती है। अब हम बात करें फेफड़ों में यदि कोई इन्फेक्शन है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे, तो उसके लिए जो फेफड़ों के डॉक्टर होते हैं वो पल्मोनोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं, चेस्ट फिजिशियन, उनको दिखाइए। यदि आपके शहर में नहीं है तो आप जनरल फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।